अगर किसी नीट स्टूडेंट से मैं ये सवाल करूं कि तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट क्या है, वो फटाक से बोल देता है सर बायोलॉजी। आप में से 90% लोगों का भी यही जवाब होगा। बट फिर मैं आपको एक मॉक टेस्ट देता हूं और उस मॉक टेस्ट में आपके नंबर आते हैं 100, 150, 200, अगर बहुत अच्छा बच्चा है तो 250 नंबर। आखिर आपको लग रहा था कि आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग है, तो फिर आपके नंबर क्यों इंप्रूव नहीं हो रहे हैं? आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे बचे हुए 45 दिन में आप नीट बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है बेटा, इसमें मैं एक सीरीज का अनाउंसमेंट करूंगा, जिस सीरीज को कंप्लीट करके चाहे आपको बायोलॉजी का बी नहीं आता हो तो भी आप 340 प्लस मार्क्स लाएंगे ही लाएंगे, इसकी गारंटी है। गारंटीड वर्ड पे ध्यान देना। और ये भी ध्यान देना, मैंने 360 मार्क्स नहीं बोला, क्योंकि आप 340 मार्क्स की तो गारंटी ले पाओगे, 360 मार्क्स में हो सकता है तुम कुछ सिली मिस्टेक कर दो, एनटीए कुछ अतरंगी सा एक दो क्वेश्चन डाल दे, तो इसीलिए मैंने 360 मार्क्स का दावा नहीं किया, मैंने 340 प्लस मार्क्स का दावा किया है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखो और समझो कि कैसे इन 45 दिनों में हम नीट बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। जब भी हम कोई टारगेट करते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे इस टारगेट को हम अचीव करने वाले हैं। तो टारगेट को मैंने दो फेज में डाला है, पहला फेज पहले 30 दिन के लिए है और दूसरा फेज बाकी बचे हुए 15 दिन के लिए है। क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले लोग आपको बोलेंगे भैया सिलेबस कंप्लीट करना है। बिल्कुल सर, सिलेबस कंप्लीट करना है आपको। अब बायोलॉजी दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक रट्टाफिकेशन पार्ट जिसमें आपको मोर और लेस याद करना पड़ता है, हम टीचर्स आपकी लर्निंग जर्नी को आसान बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, बाय कंपैरेटिव स्टडी, बाय द हेल्प ऑफ निमोनिक्स, या बार बार आपको रिकॉल करा के या प्रैक्टिस करा के। दूसरा चीज होता है जो आपका रैंक डिसाइड करता है, वो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स होते हैं, जहां पे हमें एनसीईआरटी के लाइन को डिकोड करना होता है और उसका अंडरलाइन कॉन्सेप्ट समझाना होता है कि आखिर कवि कहना क्या चाहता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और जहां पे टीचर की भी ट्रू एबिलिटी दिखती है। तो पहला चीज है सिलेबस कंप्लीशन, तो हम रट्टाफिकेशन चैप्टर को रटने की तरह करेंगे कंप्लीट, जहां आपकी जर्नी आसान हो पाए कम टाइम देकर, वो काम हम करने वाले हैं। और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर में तो घुस ही जाएंगे पूरा, जिससे आपको एनसीईआरटी के एक एक वर्ड का मतलब समझ में आए। ठीक है, क्या सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से मेरे 300 प्लस नंबर आ जाएंगे? नहीं सर, नहीं आएंगे। उसके बाद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिस। मैं जनरली बच्चों को चार फेज में प्रैक्टिस करने कहता हूं। सबसे पहला प्रैक्टिस होता है कि जब आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के अच्छे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो गया। जब आपने सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपके हर टॉपिक पे कमांड आ गया, तो आप एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देते हैं, जिससे आपको पता चलता है ओवरऑल आपका चैप्टर कैसा कंप्लीट हुआ। जब आपने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कंप्लीट किया, तो फिर आप उस चैप्टर का पीवाईक्यू सॉल्व करते हो लास्ट 10 ईयर्स का, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं। इस तरीके से आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हो। लास्ट में मैं आपको रेकमेंड करता हूं 10 फुल मॉक टेस्ट देने का। वैसे तो मॉक टेस्ट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का ब्लेंड करके देना चाहिए, बट अगर आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो सिर्फ बायोलॉजी का भी मॉक टेस्ट आप दे सकते हो और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, और इसकी मदद से आप बायोलॉजी में 320 प्लस नंबर ले आएंगे। अब बोलोगे सर बात तो हमारी 340 की हुई थी, आप यही धोखा दे दिए। नहीं, मैंने बोला ये फेज वन है। फेज टू में क्या होता है बेटा? फेज टू में हम दो चीज आपको कराएंगे, एक रिवाइज इन 15 मिनट्स, याद है चिंटू नोट्स की वजह से हम कराते थे, तो उससे क्या होता है आप एक चैप्टर को 4-5 बार अच्छे से रिवाइज कर पाते हो, ताकि तुम्हारा रिकॉल काम कर जाता है, खास करके रट्टाफिकेशन चैप्टर में ये बड़ा हेल्प करता है। और एक अनोखा काम मैं कराता हूँ जिसको मैं कहता हूँ एनसीईआरटी बायोलॉजी वर्कबुक। अभी ये वर्कबुक की किताब भी फिजिकल मैंने आपके लिए छाप दी है, बट अगर आप नहीं भी ले रहे हो किताब तो वीडियो लेक्चर आपको इसका मिल जाएगा, जहां पे एनसीईआरटी को फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग डायग्राम, एसर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस की मदद से, ट्रू फॉल्स की मदद से हम सॉल्व करते हैं, तो पूरी एनसीईआरटी का रिवीजन एक बार यहां से भी हो जाता है। तो जब तुम कैलकुलेट करोगे तो पहला रिवीजन तुम्हारा कैसे हो गया सर, जब आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किया। दूसरा रिवीजन कैसे हो गया सर, जब आपने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट किया। तीसरा रिवीजन जब आपने पीवाईक्यू और एग्जांपलर किया।
चौथा रिवीजन जब आपने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया, और पांचवा रिवीजन इन दोनों को मिला के फाइनल रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो जब पांच बार आप रिवाइज कर लेते हो तो आपके नीट बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क गारंटीड हो जाते हैं। तो ये सब अगले 45 दिन में होने वाला है। तो तुम बोलोगे कि सर मैं सिर्फ बायोलॉजी थोड़ी पढ़ूंगा, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो पढ़ना है, तो मैं आपको पूरा लेक्चर प्लान समझाता हूं। तो ये लेक्चर बेटा रोज होने वाला है शाम के 6 बजे कल से, दैट इज 6 मार्च, जहां पे बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। बोलोगे तब तो सर हमारी क्लासेस 7, 8, 9, 10 घंटे चलेंगी, अगर आप सब कुछ पढ़ा रहे हो और कुछ स्किप नहीं कर रहे हो और कॉन्सेप्ट में घुस के पढ़ा रहे हो तो इतनी लंबी क्लास होगी? नहीं सर, ये क्लासेस मैक्सिमम 4 घंटे की होगी, उससे ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। अब ये बताता हूं मैंने ये सॉल्व कैसे किया। अभी दुनिया भर के वन शॉट लेक्चर आप देख रहे हो जहां पे टीचर लिख लिख के आपको पढ़ा रहे हैं, हम लिख लिख के आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं। मैंने एक किताब बनाई थी बच्चा, जिसका नाम था नीट बायोलॉजी इन 30 डेज, जो मेरी आज तक की सबसे अच्छी लिखी हुई किताब है। इसको देख के एनसीईआरटी भी शर्मा जाती है, क्यों? इसमें हर लाइन एनसीईआरटी का एकदम स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको हाईलाइट कर दिया गया है, पीवाईक्यू टैग कर दिया गया है, कॉन्सेप्ट को फ्लो चार्ट में दे दिया गया है, रट्टाफिकेशन चैप्टर को बॉक्सेस में दे दिए गए हैं, तो आपको बड़ा आसान तरीके से ये चीजें याद कराता है। तो हम क्या करने वाले, हमारा फोकस कॉन्सेप्ट पे होगा, और अगर रट्टाफिकेशन वाला पार्ट है तो उसको मल्टीपल बार क्लास में बोल के याद कराने पे होगा, हम नोट्स नहीं बनाएंगे, हम इसी किताब की पीपीटी से पढ़ने वाले हैं। तो हमारा लेक्चर सबसे शॉर्ट होगा और सबसे ज्यादा डिटेल्ड भी होगा, मतलब एनसीईआरटी का एक वर्ड भी नहीं छूटेगा, ठीक है? अच्छा, अब बोलोगे सर आपने तो किताब चिपका दी अपनी। मैं पहले बता देता हूं बच्चों को, जो बच्चे इस बुक को परचेज करना चाहते हैं वो कहाँ से परचेज कर सकते हैं? तो बेटा मेरी वेबसाइट है fundabox.in, या ऐप है फंडाबॉक्स ऐप, अब हम आईओएस पे भी आ गए। तो ये पूरी किताब विथ वीडियो लेक्चर, मतलब जो अभी मैं यूट्यूब पे कराने वाला हूँ वो सेम लेक्चर आपको यहाँ पे किताब के साथ भी ऐप पे भी मिल जाता है, जहाँ बिना डिस्ट्रैक्शन के आप पढ़ सकते हैं, विथ 3000 प्रैक्टिस क्वेश्चन सब आपको मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ 799 रुपीज पे, ठीक है? तो आप इस किताब को खरीदिए, इस किताब में ही नोट्स बनाइए मेरे यूट्यूब लेक्चर के साथ, और फिर प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस के लिए भी अगर आपके पास किताब नहीं है तो प्रैक्टिस के लिए भी हमारे पास टॉप 10,000 क्वेश्चन की किताब है बायोलॉजी की, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर, और 10 फुल मॉक टेस्ट भी मिल जाता है आपको। तो ये भी कंप्लीट बंडल है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रैक्टिस बुक है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, नहीं है तो आप इसको भी खरीद सकते हैं। इस किताब की भी प्राइस 699 है, दोनों का बंडल आपको मेरे वेबसाइट पे 1099 का मिल जाएगा, ठीक है? अब बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंडेंट है, जिनसे नहीं हो पाएगा भाई कि नहीं सर मैं आपकी किताब नहीं खरीद सकता। तो बेटा उनके लिए मैं जो पीपीटी में पढ़ाऊंगा उस पीपीटी की एनोटेशंस अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anani001 पे शेयर कर दूंगा, तो इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो। तो जिनको पीडीएफ से पढ़ना है वो पीडीएफ से पढ़ लें, जिनको किताब से पढ़ना है वो किताब से पढ़ें, मैं रेकमेंड आपको बुक करूंगा क्योंकि ज्यादा आसान होगा आपके लिए, ठीक है? अब तुम बोलोगे सर क्लास तो कल से स्टार्ट करो, मैं आज किताब ऑर्डर करूंगा तो फिर कैसे पढ़ूंगा? तो दो चैप्टर्स, जो अगला दो चैप्टर मैं कराने वाला हूं, दैट इज ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, इनके नोट्स की पीडीएफ भी इसी टेलीग्राम चैनल पे t.me/anani01 पे मिल जाएगा। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रखिए और इन चैप्टर्स को आप मेरे लेक्चर से कल करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा, ठीक है? तो सिंपल सा प्लान क्या है सर, लेक्चर का पूरा प्लान भी आपको दिख जाएगा, ये पूरा लेक्चर का प्लान है हमारा। तो 6 तारीख से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, 6/3/2024 से, और 5/4/2024 को हमारा फेज वन कंप्लीट हो रहा है। तो पहले हमने सारे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर रखे हैं और फिर लास्ट में हमने सारे रट्टाफिकेशन चैप्टर रखे, ये भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आपको वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद उसका पीडीएफ मिल जाएगा, और उसके बाद उसका पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर भी मिल जाएगा, ठीक है? तो ये चीज आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक? बुक्स खरीदेंगे तो आपको नोट्स आप किताब में ही बना सकते हो, तो कल को आपको रिवाइज करने में आसानी मिल पाएगा। तो सिंपल फ्लो चार्ट हम फॉलो कर रहे हैं, आप लेक्चर लगा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पीवाईक्यू एग्जाम्पलर कर रहे हैं, और इन सब की गलतियों को अपने एक मिस्टेक नोटबुक में लिख ले रहे हैं, और लास्ट में हम रिवाइज इन 15 मिनट्स और बायोलॉजी हैंडबुक की वर्क मदद से अपना पूरा बायोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे और बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है? तो अगर
आपको इस प्लान में दम लगता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, 45 days चैलेंज एक्सेप्टेड। एक और अनाउंसमेंट मैं भूल गया आपको बताना, जो भी बच्चे 31 मार्च से पहले नीट बायोलॉजी इन 30 days की किताब खरीदते हैं और उनके बायोलॉजी में 360 में 360 मार्क्स आ जाते हैं, तो उन सभी बच्चों को मेरे तरफ से एक आईपैड गिफ्ट है। अच्छा इन्वेस्टमेंट है ना? तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है तो इस बुक को परचेज कीजिए, मेरा लेक्चर देखिए और 360 में 360 मार्क्स लाइए। अब बोलोगे सर अगर एक क्वेश्चन की वजह से मेरा सिली मिस्टेक की वजह से छूट गया तो अगर आपके 350+ मार्क्स आते हैं तो आपको मिलता है एक स्टेथोस्कोप। ये उन्हीं बच्चों के लिए जिनके पास बायोलॉजी इन 30 days की किताब है, ठीक है? तो एक और इंसेंटिव हो गया तुम्हें तैयारी करने। आपको ये क्लास रोज इसी यूट्यूब चैनल पे 6 PM करना है और लाइव करना है। बोलोगे सर क्यों लाइव? आप तो कभी नहीं बोलते हो लाइव करने के लिए। बेटा मैं लाइव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब 45 दिन ही बचे हैं, अब तुम बैकलॉग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग देने लगूंगा तो तुम रेगुलरली किसी और चीज को प्रायोरिटाइज कर लोगे और उसका बैकलॉग बन के रह जाएगा। तो अगले 45 दिन मैं भी लाइव आऊंगा, तुम भी लाइव आओ और इसको लाइव ही कंप्लीट करो। तुम्हारा टाइम वेस्ट 1 मिनट भी नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी है। क्योंकि इस क्लास में ना हम बातचीत करेंगे ज्यादा, ना हम एक एक चीज लिखेंगे, हम आराम से फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट पे। रटने वाला चीज होगा तो हम आराम से फोकस करेंगे कैसे तुमको क्लास में मैक्सिमम चीज याद हो जाए, तो तुम्हारा 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होगा, इसका गारंटी मैं लेता हूं। तुम बस ये गारंटी लो कि तुम कंसिस्टेंसी अगले 45 दिन तक फॉलो करोगे। तुम लोग क्या होता है, पहले क्लास में आते हो, दूसरे में कम हो जाते हो, फिर और कम होते होते आपकी कंसिस्टेंसी 0 हो जाती है। तो एंड तक कंसिस्टेंट रहना, इस सीरीज को पूरा फॉलो करना और नीट बायोलॉजी में 340+ मार्क्स लाना, एंड इनफैक्ट 360 मार्क्स लाओ। मुझसे ज्यादा खुश कोई इंसान नहीं होगा आपको आईपैड गिफ्ट करने में। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हम कल मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।